हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। मेरा नाम है सौरभ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस गेम फिल्म दुनिया में। तो गाइस, हम वापस से आ गए एक बार फिर से आपके लिए सिटी स्काईलाइन की एक और जबरदस्त वीडियो लेके, जो कि आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। पिछले वाले वीडियो जो मैंने काम छोड़ के रखा हुआ था, उसको आज मैं इस वाले वीडियो में पूरा करूंगा। मैंने क्या कहा था कि पिछले वाले वीडियो में ये वाला जो फैक्ट्री एरिया है, इसको मैं बना लिया था और कुछ रेजिडेंशियल एरिया बना लिया था। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर देखिए, ये वाला जो है इधर का बना लिया था, मैं रोड इधर से आ रहा था और इधर का कुछ रेजिडेंशियल एरिया था, यहाँ पे मार्केट का एरिया था और यहाँ पे कुछ रहने के लिए एरिया था और यहाँ पे फैक्ट्री का एरिया था। तो यहाँ से फैक्ट्री के लिए मैं यहाँ पे जो ये कूड़ा करकट वाला लगा दिया था और यहाँ पे है इसका ड्रेनेज सिस्टम, तो यहाँ से गंदा पानी सब उधर जा रहा है और बाकी सब यहाँ पे रेडी है। यहाँ से मैंने पानी वाला घिस दिया था पीने के लिए। क्या करना है कि मेरे लिए एक चुनौती थी पिछले वाले वीडियो में कि मैंने यहाँ पे सब कुछ लगा दिया है, कि यहाँ पे ये प्लांट लगा दिया था और यहाँ पे एक ये लगा दिया था, पर यहाँ पे फिर भी इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो रही है। तो मैं काम करता हूँ कि मैं सबसे पहले एक यहाँ पे फैन और लगा देता हूँ और फैन लगाने के बाद मैं चेक करता हूँ कि क्या मुझे यहाँ पे कोई कमी हो रही है या नहीं। 8 मेगावाट की यहाँ लग रही है, मैं यहाँ पे एक और लगा देता हूँ। तो अब ये चालू हो जाएगा कुछ देर में। जैसे ये चालू होता है फिर मैं चेक करता हूँ कि क्या यहाँ पे कमी हुई सबकी पूरी। ओके गाइस, अब समझ में आया कि इलेक्ट्रिसिटी की कमी थी, तो इनका मिलना स्टार्ट हो गया। अब एक काम करता हूँ कि मेरे पास रेजिडेंशियल एरिया की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो उसके लिए मुझे बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले रोड का तो मेरा काम ठीक चल रहा है अभी, तो यहाँ पे ग्रीन वाला जो है ये बहुत ज्यादा इसकी डिमांड है, इसको मुझे बनाना पड़ेगा। पहले मैं रोड को कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। मैं काम करता हूँ गाइस, कुछ रोड का ऑप्शन में और चेक कर लेता हूँ और सिटी को फास्ट फॉरवर्ड पे कर लेता हूँ, जो कि बहुत ज्यादा तेजी से चले। इनको यहाँ पे क्या चाहिए, वर्कर्स की कमी है, तो ठीक है, बस कुछ मिनट रुकिए। ये वाला जो रोड है गाइस, ये 2 लेन रोड विद साइड वॉक है और ये 2 लेन रोड विद मीडियन है। तो ये दोनों रोड तो पता है मुझे, पिछले वीडियो में देखा था, ये वन वे है, ये दोनों ही पता है। और देखते रोड खुला है कि नहीं। एक ये 2 लेन ग्रेवल रोड है, जो कच्चा रोड है, इसको भी बनाऊंगा। तो अभी तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, 1350 रुपए पर वीक डॉलर मिल रहा है। अभी शाम होने को आ गई है और यहाँ पे वापस से इन लोग को चाहिए, तो ठीक है स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले मैं काम करता हूँ कि सिटी को मैं स्टॉप कर देता हूँ। और एक ये क्या मिला है, ओके, तो हेल्थ सिस्टम मेरा अनलॉक हो गया है, तो हेल्थ केयर के लिए मेरे पास एक छोटा सा मेडिकल क्लिनिक है, इसको मुझे लगाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं रोड बनाता हूँ। अभी मेरे पास रोड का भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है कुछ खास, तो मैं पार्किंग स्पेस वाला ही बना लेता हूँ, क्योंकि पार्किंग का मुझे कोई कमी नहीं होना चाहिए, गाड़ियां आती जाती रहे। यहाँ से रोड लेता हूँ ऐसे, इसको मैं पूरा कर देता हूँ। अभी जस्ट मैं सिंपल रोड बनाना स्टार्ट करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से। तो एक रोड यहाँ से भी आ रहा है, तो इस रोड को भी बना लेता हूँ ताकि मुझे पूरी गैप नहीं चाहिए। इस तरह से सारे रोड बन के रेडी हो गए और इन दोनों को मुझे मिलाना पड़ेगा यहाँ से। इसको ऐसे करके सारे रोड में यहाँ पे मिला देता हूँ इस तरह से। अभी पता नहीं क्यों यहाँ पे कहीं से रोड बन नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, कुछ है क्या, ये लाइट वाला कुछ दिक्कत कर रहा है क्या। नहीं, लाइट वाला तो दूर है, तो फिर क्या दिक्कत आ रहा है, रोड पता नहीं क्यों यहाँ पे बन नहीं रहा है। इसको मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ इस तरह से, इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। हाँ, अब धीरे धीरे कनेक्ट हो रहा है, छोटा छोटा कनेक्ट हो गया है। और यहाँ से थोड़ा सा इसको ऐसे बढ़ा देता हूँ इस तरह से, ताकि आगे में मैं कंस्ट्रक्ट कर सकूँ। तो ये हो गया। अब मैं फटाफट यहाँ पे रेजिस्टेंशियल जोन है, इसको मैं फटाफट डेटा स्टार्ट करता हूँ। ये आप ले लीजिए पूरा, इसको आप ले लीजिए पूरा और इसको आप लीजिए पूरा। सिटी को प्ले ऑन कर देता हूँ फुल स्पीड में। अब शायद धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ गाइस, यहाँ बनना स्टार्ट हो रहा है। अब इनको शायद पानी और देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ मैं। पानी की कमी तो पूरी है, पानी कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइस, तो मेरा वर्दी विलेज 650 का मैंने टारगेट कंप्लीट कर लिया। मेरे सिटी में अब 650 लोग रहने आ गए, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, इतने लोग आ गए मेरे सिटी में रहने के लिए। और ये क्या है, कनेक्ट द वाटर पंप्स एंड ड्रेन विद वाटर पाइप, ड्रॉ द वाटर पाइप। ये तो मैंने कर लिया था पहले ही, इसको क्यों वापस दिखा रहा है। लाइन का पहले चेक कर लेता हूँ, लाइन का नहीं मिल रहा है, इसको मुझे जोड़ना पड़ेगा कैसे भी करके। अभी लाइट की कोई कमी लग नहीं रही है, तो लाइट के भी रहने देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सबको प्रॉपर मिल रहा है फैन का। अभी मैं यहाँ पे मेडिकल क्लिनिक में खोलना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा जो रजिस्ट्रेशन जोन है वो कम हो गया है। तो मेडिकल क्लिनिक के लिए मेरे पास ये एक है छोटा सा, जो कि 10,000 कुछ रुपए का है। तो 10,000 का मैं एक ही छोटा सा चीज है जो मैं कहाँ लगाना चाहूँ। ओके, तो यहाँ पे भी बना सकता हूँ, जो की बन जाएगा। ठीक है, मैंने एक यहाँ पे बना दिया, जो कि पूरा सिटी अभी खुश हो गया। अभी एक इनफ है। उसके बाद यहाँ पे एक ये नया खुला है, ये क्या चीज है, फायर हाउस है। तो फायर हाउस मेरे पे है नहीं और ये 12,000 डॉलर का है, तो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि सबको एक साथ मिले इस तरह से।
तो यहाँ पे फायर हाउस को लग गया और सबको ये मिलना स्टार्ट हो गया, जो कि अगर आग लगता है तो बुझ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है, तो जरूरी है पुलिस स्टेशन चोरी होगा, चांसेस है, तो मैं पुलिस स्टेशन को मैं यहाँ पे बगल में बना दूं या फिर कहीं और बना दूं मैं, और यहाँ पे भी बना सकता हूँ, रेजिडेंशियल जोन में जरा सेफ है लोग, पुलिस स्टेशन का काम हो गया। एक नया चीज और खुला है, ये क्या है, एलिमेंट्री स्कूल जो कि $10 का है, ये भी चाहिए क्योंकि अभी मेरे यहाँ पे जो फैक्ट्री लग रही है तो उनको पढ़ने के लिए चाहिए स्कूल, तो मैं एक काम करता हूँ कि स्कूल का जो एरिया है यहाँ पे बना देता हूँ, ताकि लोग को स्कूल का मिलना सबको स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे सबको पानी की कमी नहीं, बिजली कमी हो रही है, तो जाहिर सी बात है घर बड़ा है तो बिजली कमी होने लगी। बस कुछ करना नहीं है, यहाँ से मुझे इसको ऐसे करके जोड़ देना है, बस कुछ सेकंड रुकिए और आपको बिजली मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ओके गाइस, तो फटाफट इन लोग को बिजली मिलना स्टार्ट हो गई, सबको बिजली मिल रही है, खाना मिल रहा है, सबको पानी मिल रहा है, रात भी हो गई है। धीरे धीरे अब मार्केट एरिया का बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट एरिया की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। तो यहाँ पे मैंने मार्केट एरिया बना दिया है, यहाँ पे मैं इंडस्ट्रियल जोन बनाने वाला हूँ, तो मार्केट का एरिया मैं अब सोच रहा हूँ कि थोड़ा दूर रखता हूँ, इस साइड में रखूँ या इस साइड में रखता हूँ, थोड़ा सा मार्केट में इधर बना लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा सबको इधर के भी एरिया को भी शॉपिंग करने को मिल जाए। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे रोड बनाना पड़ेगा, रोड के लिए मुझे थोड़ा सा और यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ मैं इस तरह से, इधर से भी मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ और इधर से मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, और एक ये वाला भी है इसको बना दिया, और यहाँ पे ये क्यों बना नहीं पता नहीं। और इस रोड को मुझे मिलाना पड़ेगा सबसे पहले, ऐसे 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 और एक ऐसे और एक ऐसे, ये हो गया। अब इस वाले एरिया को मैं सोच रहा हूँ मार्केट का बना दूं, ताकि लोग यहाँ पे अपना आए और सारी शॉपिंग करें, ये वाली चीज। तो एक ये दे देता हूँ, एक ये दे देता हूँ, एक ये दे देता हूँ, ये भी मैं देना चाहता था लेकिन इसको पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है। इतने सारे मार्केट के लोग बन गए, यहाँ पे मार्केट अपना स्टार्ट हो जाएगा, तो धीरे धीरे यहाँ पे बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो लोग अपना दुकान यहाँ खोल लेंगे। बाकी धीरे धीरे अब मेरा यहाँ पे आई थिंक जो वर्कर की कमी थी ये पूरी हो गई, तो अभी भी मेरा $500 का प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कर देता हूँ ताकि और तेजी से मेरा काम स्टार्ट हो। अब इन लोगों को क्या कमी होने लगी, पानी की कमी होने लगी, तो पानी की कमी ओके, तो यहाँ पे पानी मैंने दिया भी नहीं था, तो ये वाली जो पाइप है इसको मैं यहाँ से ऐसे जोड़ लेता हूँ, उसके बाद इसको मैं ऐसे जोड़ लेता हूँ, और यहाँ पे पानी की कमी हो सकती है तो इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ ऐसे करके, तो इन लोग को पानी यहाँ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पानी की कमी पूरी हो गई। गुड मॉर्निंग गाइस, तो एक प्यारी सुबह हो गई है हमारे इस सिटी स्काईलाइन में। तो अब ये कितना प्यारा लग रहा है शहर, देखिए गाइस कितना खूबसूरत सा है। यहाँ पे इन लोग को वर्कर की कमी हो रही है क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड है रजिस्ट्रेशन जोन की, तो रजिस्ट्रेशन जोन को मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। ये बिल्डिंग है लेवल अप, ओके, तो बिल्डिंग लोग यहाँ पे ऊंची कर रहे हैं, इनको यहाँ पे बिजली कमी क्यों नहीं लगी, एक बैग इनको बिजली नहीं मिल रही है क्या, बिजली तो प्रॉपर आ रही है। यहाँ पे मैंने एक फैन लगाया है, ये वाला भी काम कर रहा है और ये वाला भी काम कर रहा है, तो बिजली की कमी क्यों होने लग गई। यहाँ पे मैंने दो फैन लगाए थे, हाँ दोनों फैन 8-8 मेगावाट के है, तो बिजली वाले में अभी ये है कोल पावर प्लांट जो की है $19 का, अभी कुछ ही देर में ये 19 हो जाएगा तो मैं इसको लगा दूंगा अभी, लेकिन यहाँ पे इन लोग को बिजली मिल रही है, जा रही है, आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखते रहते हैं क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पे क्या दिक्कत है इन लोग की। ओह शिट, एक गलती हो गई क्या मैंने, अच्छा इन लोग को ये दुकान वाले ही है, इन लोग को वर्कर की कमी हो रही है। ठीक है ठीक है, बस एक मिनट रुकिए, मैं फटाक से घर बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो पहले मैं यहाँ से एक रोड लेता हूँ इस तरह से, और इसको मैं ऐसे जोड़ देता हूँ, उसके बाद एक और मैं रोड लेता हूँ ऐसे, और इसको मैं जोड़ देता हूँ, और यहाँ पे फटाफट मैं सबसे पहले ये वाला जो एरिया है पूरा मैं दे देता हूँ, ताकि ये लोग फटाक से अपना बनाना स्टार्ट कर दे घर, और दुकान का भी मुझे यहाँ पे देना होगा, तभी डिमांड कुछ खास नहीं है, तो अभी मैं घर का देता हूँ फटाक से। और बिजली की कमी यहाँ पे हो रही है, वर्कर की कमी हो रही है, फटाफट बनाइए सर लोग आप लोग। ओके, तो गाइज मेरा फिर से लेवल अप हो गया, और मेरा जो सिटी है वो 1000 पड़ गया। अब इसके बाद मुझे इस पे लैंडस्केपिंग का ऑप्शन हो गया, पार्क और प्लाजा खुल गए हैं, लेवल 2 बिल्डिंग यूनिक खुल गई है, पार्क्स और खुल गए हैं, स्मोकिंग बैन, पेट बैन, 4-लेन रोड, 3-लेन 1-वे रोड, 4-लेन 1-वे रोड, ओके, और शैनो कैनल, ये सब न्यू कैनल्स खुल गए हैं, जब किस काम के आएंगे ये भी नहीं पता। सिटी में ये कुछ अलग सा खुल गया है, एक ये स्टबन फेंस खुल गया है, यहाँ पे शायद अपने फेंस से घेर सकते हैं, तरह तरह के पार्क खुल गए जो कि अच्छे अच्छे लग रहे हैं, हाई स्कूल भी खुल गया है, और बास्केटबॉल कोर्ट, बाउंसी, ये सब बहुत सी चीजें खुल गई, नई नई चीजें, डॉग पार्क भी खुल गया है, बहुत अच्छी चीज खुल गई है। तो यहाँ पे इन लोग को लाइन की कमी फिर से स्टार्ट हो गई है, मेरे पास $38 हो गए। अभी मैं सबसे पहले लाइन के लिए एक बनाना चाहता हूँ, ये कोर पावर प्लांट, इसको मुझे लगाना है कहीं पे। मैं सोच रहा हूँ कि गाइस कि इसको मैं यहीं पे लगाता हूँ, ताकि लोगों को फटाफट फटाफट बिजली मिलना स्टार्ट हो जाए, जो कि ये थोड़ा नॉइजी है, तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं इधर न लगा के इधर लगा देता हूँ, एक किनारे इस बगल रोड लगा देता हूँ,
थोड़ा सा सट के इस तरह से ओके। अब ये कुछ देर में चलना स्टार्ट हो जाएगा तो सबको बिजली की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। उसकी वजह से मैं यहाँ पे एक फैन बंद कर दूंगा जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा बिजली का जो खपत है वो कम होगा। ये वाला जो फैन है इसको मुझे बंद करना पड़ेगा एक ये, और यहाँ पे मैंने इसको ऑफ कर दिया तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मैं अगर ये वाला भी बंद कर देता हूँ तो भी शायद मेरा वो प्लांट चलेगा। मैं चेक कर लूँगा कुछ देर में, यहाँ पे प्लांट चलना चाहिए। ये वाला बंद हो गया, कुछ देर में बंद हो जाएगा। मेरा ये पावर प्लांट चल रहा है। अब यहाँ पे इनको पानी की कमी होने लगी, ठीक है पानी किन लोगों को दे देते हैं। तो पानी के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहीं से एक ऐसे ले जाता हूँ और एक इस पे जोड़ देता हूँ, उसके बाद यहाँ से लेके इससे जोड़ देता हूँ तो पानी की कमी पूरी हो जाएगी। पावर प्लांट ये चला रहा हूँ यहाँ पे कोल वाला, जिससे लाइन सबको मिल रही है, और यहाँ पे मैं इसको चला रहा हूँ ताकि ये चले। तो लाइन के लिए भी इनफ है, रेजिडेंस जो कि फिर से कमी हो रही है। लेकिन अब मुझे पब्लिक एरिया में जो ये खुला है बिल्ड पब्लिक लाइब्रेरी, तो पब्लिक लाइब्रेरी के मेरे पास कितने पैसे लग रहे हैं, 22,000 रुपए लग रहा है जो कि बस कुछ देर में होने वाला है। तो मैं इसको भी लगाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं रोड पे चेक करता हूँ कि रोड में और कुछ नई चीजें खुली है क्या। तो ये 4 लेन रोड है, 1 वे है, और ये 3 लेन है और ये 2 लेन है। तो ये सब तो अभी नहीं चाहिए, अभी कच्चा वाला रोड मिल रहा है तो इसको भी छोड़ देते हैं, अभी रोड का कोई इशू नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ अलग अलग चीजें मिल रही हैं। ये है स्मॉल पार्क जो कि $1,000 का है, और भी है, इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। और यहाँ पे स्मॉल प्ले ग्राउंड है, बहुत सी चीजें हैं जो कि अभी अच्छी अच्छी खुलने बाकी है। सबसे पहले पब्लिक लाइब्रेरी बनाने वाला हूँ क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। ये वाली हाई स्कूल है और ये पब्लिक लाइब्रेरी है $22,000 का, बस होने ही वाला है तो इसको मैं फटाक से लगाने वाला हूँ। तो गाइस मेरा पब्लिक लाइब्रेरी खोलने के लिए मेरे पास ₹23,000 हो चुके हैं। अब मैं पब्लिक लाइब्रेरी खोलने वाला हूँ, ये बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहा है गाइस, तो इसको मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ पे सेंटर में खोलता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे पहले रोड बनाने पड़ेंगे, तो सबसे पहले मैं रोड का काम कर लेता हूँ। ये वाला यहाँ से रोड लेता हूँ ऐसे, और थोड़ा सा इतना बढ़ा लेता हूँ, ये वाला भी रोड ऐसे करके मैं यहाँ बढ़ा लेता हूँ, और उसके बाद इसको मुझे आपस में कनेक्ट करने पड़ेंगे। एक ऐसे कनेक्ट कर लेता हूँ और एक ऐसे कनेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद एक ऐसे कनेक्ट कर लेता हूँ। ये कनेक्ट हो गए, अब मैं यहाँ पे अपना पब्लिक लाइब्रेरी बना दूंगा। तो ये रहा मेरा पब्लिक लाइब्रेरी, और इसको मैं बनाऊंगा इस सेंटर में ताकि सबको पूरा एरिया कवर करे, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है सामने से देखने में। ये इधर की तरफ है, उधर की तरफ होना चाहिए था, लेकिन ठीक है इधर से भी एरिया बनेगा तो बहुत अच्छा लगा देखने में। बाकी इधर देखिए रोड का गाइस ओपन हो गया नया नया। अब मैं रोड को कर्व करके भी लगा सकता हूँ अपने एडजस्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे मैं देख लूंगा कैसे करना है मुझे। अभी मेरे पास $1,100 का प्रॉफिट चल रहा है, अभी मुझे हाई एडजस्ट जोड़ की बहुत ज्यादा कमी होने वाली है। तो मैं सोच रहा हूँ गाइस यहाँ पे ये जो एरिया इसमें पार्किंग बनाता हूँ, और यही पे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ रेजिडेंशियल जोन की कमी जो हो रही है। तो यहाँ से मैं रोड को पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, इसको रोड में यही पे ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, इसको ऐसे कनेक्ट कर लेता हूँ, इससे उसे जुड़ जाए, और इसको ऐसे जोड़ लेता हूँ। उसके बाद एक और मैं बना लेता हूँ इस तरह से और ऐसे। अब इन दोनों को मैं पूरा दे देता हूँ रेजिडेंशियल जोन में, एक ये पूरा हो जाएगा ऐसे और ये ऐसे। तो फटाफट आप लोग यहाँ बनाना स्टार्ट कर दीजिए घर को, ताकि यहाँ पे जो कमी है वो पूरी हो जाए। और मार्केट का एरिया मैं यहाँ पे बनाता हूँ, जो कि रोड बनाना पड़ेगा सबसे पहले। रोड को मैं यहाँ से लेता हूँ ऐसे, और इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, एक ऐसे और एक ऐसे। अब इन दोनों को मैं मार्केट का एरिया दे देता हूँ, ये वाला यहाँ पे और एक यहाँ पे। यहाँ पे पत्थर कुछ है, इसको तोड़ना पड़ेगा मुझे। कैसे टूटेगा, इससे टूटेगा शायद, हाँ टूट गया सारा पत्थर। अब यहाँ पे मैं इसको मार्केट के लिए कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। तो दो मार्केट के भी कंप्लीट हो गए, और यहाँ मेरा जो घर वाला था इसको भी कर दिया, और यहाँ पे एक और मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों मेरा चलने लगा। ओके गाइस, तो ये सब कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे पानी का मैं चेक कर लेता हूँ, पानी की कमी यहाँ पे होने वाली है ऑफकोर्स। तो यहाँ से मैं ऐसे घिस लेता हूँ और ऐसे घिस लेता हूँ, इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, यहाँ पे पानी की कमी भी पूरी हो जाएगी सबको। मेरा पावर प्लांट यहाँ पे चल ही रहा है, मैं बाद में देख लूंगा अगर कुछ कमी पड़ेगी तो। उसके बाद गाइस मेरा प्रॉफिट भी अच्छा खासा $1,400 का चल रहा है, जो कि पैसे होने वाले कुछ देर में। अभी भी मेरे पास डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा फैक्ट्री के एरिया भी बढ़ रहा है, तो मैं यहाँ पे फैक्ट्री का पूरा एरिया दे देता हूँ, ताकि लोगों को यहाँ पे काम चलता रहे। थोड़ा सा ज्यादा नहीं, फैक्ट्री के एरिया के लिए मुझे ये वाला है इंडस्ट्रियल जोन, ये वाला मैं पूरा जोन दे देता हूँ फैक्ट्री के एरिया के लिए, ताकि यहाँ पे लोग फैक्ट्री अपना बनाना स्टार्ट कर दें। तो जो थोड़ी बहुत कमी है वो भी यहाँ पे पूरी जाएगी, ताकि और ज्यादा लोग तेजी से यहाँ कर रहे हैं। मेरे पास पैसे कुछ अच्छे खासे हो गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ पार्क स्टार्ट करता हूँ बनाना। मेरे पास यहाँ पे ये जो है मेडिकल क्लिनिक एक बन चुका है, इसकी कोई कमी नहीं है, पूरा ग्रीन है। और यहाँ पे है फायर हाउस, जो कि थोड़ी सी कमी बता रही है, ये पैसा नहीं है, तो बाद में इसको मैं बना दूंगा, अभी है एक लगा हुआ यहाँ पे।
और यहाँ पे ये पुलिस स्टेशन इसकी भी कोई कमी नहीं है। स्कूल की थोड़ी सी यहाँ पे कमी हो रही है, एलिमेंट्री स्कूल की लाइब्रेरी की पूरी कमी है और यहाँ पे हाई स्कूल की कमी बहुत ज्यादा हो रही है, इसका भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा पार्क में सोच रहा हूँ बना दूँ, स्मार्ट पार्क में बना दूँ या फिर ये कितने का है, ये $1,000 का है और ये स्मार्ट प्लेग्राउंड 1,250 का है, पार्क विद ट्रीज 5,000 का है, लार्ज प्लेग्राउंड 7,500 का, ये काफी महंगा पड़ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी के लिए मैं एक स्मॉल पार्क जो कि ठीक मैं लाइब्रेरी के सामने बना दूँ। स्मॉल पार्क काफी बड़ा ले रहा है एरिया, तो स्मॉल पार्क बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा गाइस। इसमें यहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो मैं इसको पूरा देता हूँ स्मॉल पार्क में ताकि पूरे जो सिटी वाले हैं सब खुश हो जाए। और दूसरा क्या है, ये स्मॉल प्लेग्राउंड है, क्या ये इसमें आएगा, इसमें आ रहा है, तो एक यहाँ पे इसको किनारे में दे देता हूँ ताकि सब लोग पूरे खुश हो जाए। दो काम मेरा हो गया, अभी स्टार्ट हो गया फिर से रजिस्ट्रेशन जोड़ की, क्योंकि यहाँ पे वर्कर की कमी होने लगी। ठीक है, तो रोड बनाना पड़ेगा उसके पहले, सबसे पहले यहाँ पे मैं अब स्टार्ट करता हूँ बनाना इस वाले एरिया में। तो इस वाले एरिया को मैं रोड के लिए स्टार्ट करता हूँ ऐसे, इसको ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पे इस तरह से और इस तरह से, और इसको भी मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ इस तरह से ऐसे। ये मुझे लगता है कि ये सही नहीं बना है, इसको फिर से बनाना पड़ेगा मुझे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तभी ये मिलेगा 90 डिग्री ऐसे है। अब ये सीधा बना है, अब इन दोनों को मैं दे देता हूँ ना रजिस्ट्रेशन जोन पे। तो आप लोग यहाँ पे बनाइए पूरा, इसको देता हूँ और इसको दे देता हूँ। इंडस्ट्रियल जोन को वर्कर की कमी हो रही है, जो कि बस कुछ देर रुकी है, बस यहाँ पे मिलना आपको स्टार्ट हो जाएंगे। पानी की कमी मैं देख लेता हूँ, पानी की कमी भी होने वाली है। यहाँ से मैं थोड़ा सा बस खाली ऐसे करके ऐसे बढ़ा देता हूँ, ऐसे और ऐसे, तो इन लोगों को पानी की कमी पूरी हो जाएगी। बस कुछ देर रुकी है, बस आपको यहाँ मिलने वाला है। और इनको क्या कमी हो रही है, ये चीज किस चीज की गाइस कमी है पता नहीं चल रहा। ये ऑफिस की कमी हो रही है क्या, ऑफिस वाले बंदे की लग रहा है कमी हो रही है। यहाँ पे ऑफिस का ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा है, इसे मुझे देखना पड़ेगा। ये क्या है, इंडस्ट्रियल जोन है और बाकी तो अनलॉक ऑफिस जोन, तभी अनलॉक नहीं हुआ है। तो गाइस अभी सब तो अनलॉक नहीं हुआ है। यहाँ पे एक आ गया है अबॉन्डेड बिल्डिंग का ऑप्शन, तो यहाँ पे बिल्डिंग क्यों अबॉन्डेड हो गया, क्या कमी हो गई सर आपको, कोई चीज की कमी हो गई थी जो आप यहाँ पे छोड़ के जा रहे हो। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये वाली बिल्डिंग जो है ये अबॉन्डेड हो गई है, तो इसको मुझे तोड़ना पड़ेगा लगता है ताकि यहाँ पे लोग आए और दूसरी लोग बना कर रहे। तो ये वाली बिल्डिंग है, इसको कैसे तोड़ूं, सही टूटना चाहिए नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके ये टूट गया, अब ये हो गया, एक और अबॉन्डेड हो गई। इतनी सारी अबॉन्डेड बिल्डिंग क्यों जा रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये बड़ी वाली बिल्डिंग अबॉन्डेड है, ये वाली बिल्डिंग अबॉन्डेड लग रही है। ठीक है, ये मैंने तोड़ दिया और यहाँ की भी कुछ बिल्डिंग अबॉन्डेड हो गई है। ये किस चीज़ की बिल्डिंग थी गाइस, ये टूट गई है, ये वाली बिल्डिंग कौन सी है, ये वाली बिल्डिंग आई थिंक ये वाली बड़ी वाली लग रही है या फिर ये वाली, नज़दीक से देखने में पता चलेगा। ये बड़ी वाली बिल्डिंग है, इसको मैं तोड़ देता हूँ। और यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग है जो पता नहीं क्यों ये सब अबॉन्डेड हो रही है, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को क्या कमी ऐसी होगी गाइस कि आप लोग को बिल्डिंग तोड़नी पड़ रही है। ठीक है, तोड़ दिए हैं अभी फिलहाल के लिए, जो कि अभी फिर से रेजिडेंसी जो कि बहुत ज्यादा कमी हो रही है। तो फटाफट मैं एक काम करता हूँ कि बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। ओके गाइस, तो अब मैं एक काम करता हूँ कि इस वाले एरिया को मैं बना दूँ, इस वाले को बना देता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा खुल गया। अभी मुझे ये वाला जो जोन चाहिए हाई डेंसिटी जोन, ये कि 5,500 में खुलेगा क्योंकि बहुत ज्यादा अभी कम है, तो इसका मुझे वेट करने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो यहाँ पे लो डेंसिटी को बनाना भी है और ये भी बनाना है, तो इसके लिए मुझे रोड पहले स्टार्ट करता हूँ बनाना। ये वाला रोड मैं लेके और ऐसे करके यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया गया, इसकी रजिस्ट्रेशन जोन के लिए पूरा एरिया है बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया और यहाँ पे भी मैंने ये पूरा दे दिया। ये पेड़ गार्डन की एरिया था इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, अब ये पूरा मैंने जोन दे दिया। अब देखिए गाइस, मेरा 1800 का पॉपुलेशन तुरंत कंप्लीट हो गया। अब उस पर मुझे 2 किलोमीटर बाय किलोमीटर का ये कुछ अनलॉक हो रहा है, न्यू एरिया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अनलॉक हुआ है, लेवल 3 की यूनिक बिल्डिंग अनलॉक हुई है, बसेस अनलॉक हुई है और इंडस्ट्री और स्पेशल अनलॉक हुई है, रिसाइकलिंग और रिक्रिएशनल यूज, उसके बाद ये चौराहे अलग अलग तरह के, हाईवे रैम्प, 3 लेन बस लेने वाले सारे रोड मेरे अनलॉक हो गए हैं, सीमेंट्री हो गई है, एल्डर केयर, चाइल्ड हेल्थ केयर सिस्टम, बस डिपोट, वन वे और ये नया जो है टर्बाइन, 2-वे टोल बूथ, सब मेरा अनलॉक हो गया, तो मजा आने वाला है अब। तो मैंने यहाँ पे सारी जो घर की कमी थी मैंने पूरा कर दिया है, फटाक से मैं इन लोग को पानी की कमी पूरी कर देता हूँ ताकि इन लोग को पानी मिलता रहे आराम से। और एक यहाँ से मैं बना देता हूँ इस तरह से, इन लोग को पानी की कमी पूरी हो जाएगी। और यहाँ पे कुछ बिल्डिंग अबॉन्डेड हो गई है पता नहीं क्यों, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप लोग जाइए, आप लोग भी दोबारा आइएगा, इसके पहले मैं आपको बढ़िया घर बना के दे दूंगा।
तो गाइस फाइनली अब मेरा सिटी बनके एकदम खूबसूरत सा रेडी हो गया। चौड़े चौड़े रोड, एकदम शांति, और रोड के किनारे भी गाड़ियां आराम से पार्क हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, सारे ट्रक आ रहे हैं आराम से, सब कुछ अच्छे चल रहा है। पार्क भी बन गया है क्योंकि बहुत प्यारा लग रहा है। नए नए घर भी बनके तैयार हो गए हैं, एम्बुलेंस चल रही है, पुलिस स्टेशन चल रही है, कुछ नए बिल्डिंग्स भी अनलॉक हुए हैं, कुछ नए चीजें अनलॉक होगी जो कि मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में शुरू करने वाला हूँ। आगे क्या प्रॉब्लम आने वाली है प्लीज मुझे बताइएगा, उसके लिए मैं आगे से तैयार रहूंगा। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही करते हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए।